नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी M51। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में उन 20 फीचर्स की जो कई लोगों को पता भी नहीं होंगे और कई लोगों ने इसे अपने फ़ोन पे कभी यूज़ भी नहीं किया होगा। और दोस्तों ये जो फीचर्स है ये पहले से इस फ़ोन में मौजूद थे, तो ऐसा नहीं है कि अपडेट के बाद ये फीचर ऐड हुए हैं, ये फीचर पहले से मौजूद थे। हालांकि अगर अपडेट के बाद कौन कौन से नए फीचर्स ऐड किए गए उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया था, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसे देख सकते हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले फीचर से, ये है सजेस्टेड एप्स। तो जैसे आप यहाँ पे रिसेंट एप्स में जाते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे में आपको कुछ सजेशन दिखाई देते हैं, चार सजेशन। लेकिन अगर आपको ये सजेशन नहीं देखने हैं तो आपको यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाके सजेस्टेड ऐप्स को यहाँ पे डिसेबल कर देना है। तो अब आप जाओगे इस तरह से रिसेंट एप्स में, आपको यहाँ पे कोई भी सजेशन नहीं दिखाई देंगे। दोस्तों फिर आपको यहाँ पे पता होगा, आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे वॉलपेपर मिल जाते हैं, यहाँ पे अलग अलग वॉलपेपर आप लॉक स्क्रीन पर रख सकते हो। लेकिन दोस्तों आप अपने हिसाब से 15 वॉलपेपर यहाँ पे रख सकते हो अपने चॉइस के लॉक स्क्रीन पे, चाहे फिर वो कोई भी वीडियो हो सकता है, कोई भी इमेज हो सकती है। तो मान लो अगर आपको वॉलपेपर सिलेक्ट करने, तो आपको जाना है वॉलपेपर्स में, फिर आपको यहाँ पे गैलरी में जाकर तो जो भी सिलेक्ट करना है आपको उस फोल्डर पे जाइए और यहाँ से कोई भी 15 या फिर आपको जितनी चाहिए मैक्सिमम आप 15 जो फोटोज है वो सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डन करना है, लॉक स्क्रीन वॉलपेपर का पैक होगा वो यहाँ पे बनेगा। आप यहाँ से जो ऑर्डर है इसका चेंज कर सकते हो, लॉन्ग प्रेस करके इसे मूव भी कर सकते हो और फिर सेट ऑन लॉक स्क्रीन। तो अब ये जो 15 वॉलपेपर है आपके लॉक स्क्रीन पे आ चुके हैं, हर बार एक नया वॉलपेपर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों आपको पता है आप जब चार्जिंग करते हो तो यहाँ पे एओडी पर आपको दिखाया जाता है कि कितनी चार्जिंग हुई है। लेकिन अगर आपको ये भी देखना है कि चार्जिंग होने के लिए कितना टाइम लगेगा तो आप उसे भी इनेबल कर सकते हो। तो आप जैसे ही चार्जिंग को प्लग इन करते हो वैसे ही आपको एओडी पे दिखाया जाएगा कि इतने समय में चार्जिंग हो जाएगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको यहाँ पे जाना है डिस्प्ले में और यहाँ पे ऑप्शन होगा शो चार्जिंग इन्फॉर्मेशन, आपको इसे इनेबल करना है। तो दोस्तों फिर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर आपने पिन सेट किया हुआ है अपने फ़ोन पर तो आपको यहाँ पे पिन डाल के ओके पर क्लिक करना पड़ता है, लेकिन मुझे ओके पर क्लिक नहीं करना पड़ता। अगर आप पिन यूज़ कर रहे हो तो आपने गौर किया होगा, मैं ओके पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, अपने आप जो स्क्रीन है वो अनलॉक हो जा रही है। और दोस्तों आप जब फेस अनलॉक का भी यूज़ करते हो तो यहाँ पे मुझे कोई भी स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फ़ोन जो है अपने आप स्क्रीन पर अनलॉक हो जाता है। लेकिन कई लोगों को स्वाइप करना पड़ता है फेस अनलॉक यूज़ करते हुए भी। तो दोस्तों उसके लिए आपको दो सेटिंग्स करनी है, आपको जाना है सेटिंग्स में, लॉक स्क्रीन में, फिर आपको स्क्रीन लॉक टैब में जाना है और आपको अपना पासवर्ड या पिन डाल देना है। और अगर आपने पिन सिलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको टिक करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर टिक करोगे तो मतलब आपको ओके पर कभी भी टिक नहीं करना पड़ेगा। और बात करेंगे फेस अनलॉक की, तो आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर आपको जाना है बायोमेट्रिक्स में, फिर फेस रिकॉग्निशन में, और फिर आपको यहाँ पे स्टे ऑन लॉक स्क्रीन इस ऑप्शन को डिसेबल करना है ताकि जब भी आप फेस अनलॉक का यूज़ करो आपको स्वाइप अप ना करना पड़े। दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब आप फेस अनलॉक करते हो अपने फ़ोन पर तो फेस अनलॉक फास्ट होता नहीं है, ठीक से काम करता नहीं, कभी कभी काम करता है कभी काम नहीं करता है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हो फेस अनलॉक फास्ट काम करे, अच्छे से काम करे, तो आपको यहाँ पे अपना दूसरा लुक भी ऐड करना है। तो ऐड अल्टरनेटिव लुक में जाकर आपको यहाँ पे अपना एक दूसरा फेस, मतलब दो बार आपको अपने फेस रजिस्टर करने हैं यहाँ पे, इसके बाद जो फेस अनलॉक है काफ़ी फास्ट हो जाएगा। ये मैंने पर्सनली ट्राई किया है तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हो, फेस अनलॉक काफ़ी फास्ट हो जाता है। दोस्तों आपको पता है यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन तो मिलता है, आप पाम स्वाइप करके स्क्रीनशॉट है वो क्लिक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों कभी कभी होता है कि हमें जो है ये जो स्टेटस बार में जो टाइम होता है वो शेयर नहीं करना पड़ता कि कितने टाइम पे लिया गया था या फिर कितने परसेंट थी बैटरी, वो हमें दिखाना नहीं पड़ता स्टेटस बार में। तो हम क्या करते हैं, हमें क्रॉप करना पड़ता है। तो दोस्तों इससे अच्छा है कि यहाँ पे एक ऑप्शन है जिससे आप स्टेटस बार और नेविगेशन बार हाइड कर सकते हो अपने स्क्रीनशॉट में। तो दोस्तों उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर जाना है आपको यहाँ पे एडवांस फीचर में, और फिर आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डर में जाके हाइड स्टेटस एंड नेविगेशन बार इसे इनेबल करना है। तो जब भी आप स्क्रीनशॉट क्लिक करोगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मैं अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे ऊपर में कोई भी टाइम या स्टेटस बार नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे में भी नेविगेशन बार नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों मान लो अगर आप गेम खेल रहे हो या फिर वीडियो देख रहे हो और अगर आप ऐसे में चाहते हो कि जो भी नोटिफिकेशन आए
वो पॉपअप व्यू में आए ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो गेमिंग के दौरान और वीडियो प्लेइंग के दौरान। तो आप ऐसा कर सकते हो, आपको जाना है सेटिंग्स में, आपको जाना है एडवांस फीचर में, और फिर आपको यहाँ पे स्मार्ट पॉपअप व्यू इसे इनेबल करना है। तो आपको जिस किसी ऐप को ये फीचर इनेबल करना है, जैसे इन ऐप्स की जो भी नोटिफिकेशन होगी वो पॉपअप व्यू में आएगी, और फिर जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप पॉपअप व्यू में उस मैसेज को पढ़ सकते हो या फिर रिप्लाई भी कर सकते हो। दोस्तों आपको इसमें एओडी मिलता है, और एओडी में इसमें कुछ हिडन फीचर्स भी मिलते हैं। जैसे आप एओडी पे जाते हो तो यहाँ पे आपको डबल टैप करना पड़ता है क्लॉक पर। तो जैसे आप डबल टैप करते हो यहाँ पे आपको सेटिंग्स और ब्राइटनेस का ऑप्शन दिखाई देता है। आप यहाँ से ब्राइटनेस जो है वो कम ज़्यादा मैन्युअली कर सकते हो, और यहाँ से आप डायरेक्टली सेटिंग्स में भी जा सकते हो। तो सेटिंग्स में आप ब्राइटनेस जो है मैन्युअली रखनी है कि ऑटो ब्राइटनेस रखनी है, ये भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों फिर आपको यहाँ पे एओडी पे शो म्यूजिक इन्फॉर्मेशन का भी ऑप्शन मिलता है। तो आप जो म्यूजिक इन्फॉर्मेशन है वो आप एओडी पे भी डिस्प्ले कर सकते हो, आप इसे इनेबल कर सकते हो। इसके अलावा जब आप यहाँ पे जाते हो फेस विजेट्स में, यहाँ पे आपको सभी ऑप्शन को इनेबल करना है। तो इसके बाद क्या होगा, जब आप एओडी पे जाओगे तो आपको यहाँ पे क्लॉक पे डबल टैप करना है, फिर आप जैसे स्वाइप करोगे यहाँ पे देख सकते हो आप म्यूजिक इन्फॉर्मेशन, आप यहीं से प्ले कर सकते हो, यहीं से स्टॉप या यहीं से नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हो। फिर यहाँ पे वेदर इन्फॉर्मेशन, अलार्म, इवेंट्स, इस तरीके से आप जो सारी इन्फॉर्मेशन है एओडी पे डिस्प्ले कर सकते हो। दोस्तों आपको पता होगा लॉक स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दो शॉर्टकट्स मिलते हैं बॉटम स्क्रीन पे, आप यहाँ पे देख सकते हो कॉल और कैमरा। तो ये जो शॉर्टकट्स है आप इन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हो, आप इन्हें चेंज भी कर सकते हो, और आपको इसे किस तरह से देखना है ये भी ऑप्शन आप चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, आपको जाना है लॉक स्क्रीन में, और फिर आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स इस पर क्लिक करना है, और फिर आपको इस तरह से देखना है दो आइकॉन, या फिर आपको फ्लोटिंग बटन देखना है, एक ही फ्लोटिंग बटन मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे अभी लॉक स्क्रीन पे तो यहाँ पे एक ही बटन दिखाई देगा। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे कॉल या फिर कैमरा इस तरह से सिलेक्ट करना होता है। और अगर आप इन शॉर्टकट्स को चेंज करना चाहते हो तो शॉर्टकट्स को चेंज भी कर सकते हो। आपको जाना है सेटिंग्स में, लॉक स्क्रीन में और शॉर्टकट्स में, और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो आपको लेफ्ट शॉर्टकट्स कौन सा रखना है। जैसे अगर मान लो मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप रखना है तो मैं व्हाट्सएप रखूँगा, और राइट में मुझे रखना है फ्लैश तो मैं यहाँ पे राइट में फ्लैश रखूँगा। फ्लैश के लिए आपको यहाँ पे टॉर्च का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हो टॉर्च का ऑप्शन। तो अब यहाँ पे मुझे आप देख सकते हो व्हाट्सएप और टॉर्च, तो टॉर्च यहाँ पे ऑन हो चुका है आप यहाँ पे देख सकते हो, और अब ऑफ हो चुका है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका जो फ़ोन है वो स्लो परफॉर्म कर रहा है और लैग कर रहा है, तो आप उसकी जो स्पीड है बढ़ा सकते हो, उसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, डिवाइस केयर में, और फिर आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज नाउ पे क्लिक करना है। जो आपका जो स्कोर है ये हमेशा 90 से 100% होना चाहिए ताकि आपका फ़ोन अच्छे से परफॉर्म करे। लेकिन आपको इसे मैन्युअली नहीं करना है बार बार, तो आप इसे ऑटो मोड में भी रख सकते हो, तो अपने आप बैकग्राउंड में ये होता रहेगा। और कितने बजे होना है ये भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे जाना है एडवांस में, और फिर आपको यहाँ पे ऑटो ऑप्टिमाइजेशन इसे इनेबल करके इस पर क्लिक करना है, और फिर आप यहाँ से टाइम सेट कर सकते हो कि कौन से टाइम में ये होना चाहिए। तो ज़्यादातर आप जिस टाइम में अपने फ़ोन को यूज़ नहीं करते उस टाइम को यहाँ पे सेट कर देना है, मान लो रात के 3 बजे। तो अब रात के 3 बजे ऑटो ऑप्टिमाइजेशन इस तरह से ऑप्टिमाइज होगा और आपका फ़ोन अच्छे से वर्क करेगा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह से यहाँ पे वन टैप करके अपने फ़ोन को लॉक कर रहा हूँ, तो आप ये कर सकते हो। वन टैप में अपने फ़ोन को लॉक करना होता है, आपको जाना है सेटिंग्स में, आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी में, और फिर आपको यहाँ पे इंटरेक्शन एंड डेक्सटरिटी में जाना है। इसमें आपको यहाँ पे असिस्टेंट मेनू को यहाँ से इनेबल करना है, फिर इसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, इस पे जाना है असिस्टेंट मेनू ऑप्शंस में, और फिर आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको यहाँ से सारे ऑप्शंस निकाल देने ऊपर से, और एक ही रखना है स्क्रीन ऑफ। तो मैं यहाँ से माइनस के साइन पे क्लिक करके सारे ऑप्शंस को निकाल दूंगा और एक ही रखूंगा स्क्रीन ऑफ बस। इसके बाद आपको बैक आना है, तो आपको इस तरह से ये आइकॉन दिखाई देगा यहाँ पे। तो आप जैसे वन टैप करोगे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आप वन टैप से अपने फ़ोन को लॉक कर सकते हो। दोस्तों फिर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब आप अपने फ़ोन को लॉक करते हो पावर बटन से तो फ़ोन जल्दी लॉक होता नहीं है, फिर बिना पासवर्ड के कोई भी इसे अनलॉक कर सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बिना पासवर्ड, बिना फिंगरप्रिंट, बिना फेस से ये ओपन हो जा रहा है। तो ये दोस्तों ऐसा इसलिए होता है, जब आप पावर बटन से लॉक भी करते हो तो ये कुछ समय के लिए लॉक होता नहीं है, तो इसमें कुछ टाइमर होता है जो आपने सेट किया होता है। तो इसे हटाने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर आपको यहाँ पे जाना है लॉक स्क्रीन में,
फिर आपको यहाँ पे सिक्योर लॉक सेटिंग्स में जाकर आपको यहाँ पे लॉक इंस्टेंटली विथ साइड की इसे इनेबल करना है, और इसके बाद लॉक ऑटोमेटिकली इसमें आपको इमिडिएटली यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अब आप देखोगे मैं यहाँ पे जब पावर बटन से लॉक करूँगा तो तुरंत ये जो फ़ोन होगा वो लॉक हो जाएगा, बिना पासवर्ड या फेस या फिंगरप्रिंट से ओपन नहीं होगा। तो आपको जो टाइमिंग है वो हटा देनी है दोस्तों। फिर उसके नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लॉक नेटवर्क एंड सिक्योरिटी का। दोस्तों इस ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है, और दोस्तों आपको इस ऑप्शन को इसलिए इनेबल करना है ताकि जब आप अपने फ़ोन को लॉक करो तो यहाँ पे अगर कोई बंदा आता है और यहाँ पे अगर वाईफाई ब्लूटूथ मोबाइल डेटा चेंज करने की कोशिश करता है तो उसे पासवर्ड या बायोमेट्रिक एंटर करना पड़ेगा, तब जाके लॉक स्क्रीन पे जो वाईफाई है, लोकेशन है, ब्लूटूथ है वो चेंज होगा। पासवर्ड के बिना वो कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों फिर आपने एक बात नोटिस की होगी, जब आप किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी ऐप में लॉगिन करते हो तो आपको यहाँ पे पासवर्ड विजिबल हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मुझे अगर पासवर्ड डालना हुआ लॉगिन करने के लिए तो मैं जो भी टाइप करूँगा यहाँ पे मुझे थोड़ी देर के लिए दिखाया जाएगा। देखो FGHJ, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पासवर्ड टाइप करते हुए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, जैसे आप टाइप करो वहाँ पे कोई भी लेटर्स ना दिखाई दे, तो आप ये कर सकते हो। आपको जाना है सेटिंग्स में, आपको जाना है बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में, इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स में, और फिर आपको यहाँ पे मेक पासवर्ड विजिबल इसे डिसेबल करना है। अब आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे अब पासवर्ड डालूंगा तो आपको लेटर नहीं दिखाई देंगे, मैं कौन सा लेटर टाइप कर रहा हूँ आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। दोस्तों मान लो अगर आपका फ़ोन कहीं गुम हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है तो आप अपने फ़ोन को फाइंड माई मोबाइल ऑप्शन के जरिए उसे ढूंढ भी सकते हो। मैं चाहता हूँ कि इस ऑप्शन को यूज़ करने की आपको ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपको इस ऑप्शन का यूज़ करना पड़ा तो आपको जाना है सेटिंग्स में, आपको अब पहले से ही बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में जाके फाइंड माई मोबाइल इस ऑप्शन को तो पहले इनेबल करके रख देना है, फिर आपको इस पर क्लिक करना है और आपको इन तीनों ऑप्शन को इनेबल करना है। यहाँ से आप रिमोटली अपने फ़ोन को जो है जो गुम हुआ है उसे लॉक अनलॉक कर सकते हो। इसके अलावा जो लास्ट लोकेशन थी फ़ोन स्विच ऑफ होने से पहले जो लोकेशन थी वो लोकेशन आपको यहाँ पे फाइंड माई मोबाइल डॉट सैमसंग डॉट कॉम पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपका फ़ोन ऑफलाइन है, कोई भी इंटरनेट या डाटा कनेक्शन ऑन नहीं है, फिर भी आप उसकी जो लोकेशन है ट्रैक कर सकते हो। आपको जाना है फाइंड माई मोबाइल डॉट सैमसंग डॉट कॉम पर, आप किसी भी मोबाइल से या किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर पर फाइंड माई मोबाइल डॉट सैमसंग डॉट कॉम इस वेबसाइट पर जाकर जो आपका सैमसंग अकाउंट है उसकी आप डिटेल डालकर, पासवर्ड, ईमेल डालकर आप यहां से देख सकते हो। आप यहां से रिंग, लॉक, ट्रैक लोकेशन, इरेज डेटा, बैटरी लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हो और अनलॉक भी कर सकते हो, और जो भी मैसेज कॉल आएंगे उसे देख भी सकते हो रिमोटली। दोस्तों फिर आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी, जो कीबोर्ड आप यूज़ करते हो इसकी जो थीम है, आपको चार थीम मिल जाती है। जैसे आप जाते हो सेटिंग्स में, यहाँ पे कीबोर्ड की सेटिंग्स में स्टाइल एंड लेआउट में आपको यहाँ पे कीबोर्ड थीम्स में कुछ चार थीम्स मिलती है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप से आपको थीम मिलती है, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट। लेकिन अगर आप कलरफुल थीम यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। आपको जाना है हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड, आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है। फिर आपको यहाँ पे देख सकते हो आप चार टाइप की कलरफुल यहाँ पे आपको कीबोर्ड मिल जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको जो भी यूज़ करना है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों कभी कभी होता है आप अगर फ़ोन से दूर हो तो जो नोटिफिकेशन है आप मिस कर देते हो उसे देखना, तो अगर आप चाहते हो कि नोटिफिकेशन की रिमाइंडर आए किसी भी नोटिफिकेशन की तो आप नोटिफिकेशन रिमाइंडर इसमें इनेबल कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, एक्सेसिबिलिटी में, फिर आपको यहाँ पे जाना है एडवांस सेटिंग्स में, फिर आप यहाँ पे देख सकते हो नोटिफिकेशन रिमाइंडर आपको इसे इनेबल करना है, और इनेबल करने के बाद हर कितने समय के बाद आपको जो रिमाइंडर है वो आना चाहिए। तो आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हो कि हर एक 5 मिनट के बाद मुझे रिमाइंडर मिलनी चाहिए, और कौन कौन से ऐप से रिमाइंडर मिलने चाहिए तो यहाँ पे फ़ोन और जो मैसेज है पहले से ही इनेबल होता है। आपको कौन कौन से ऐप से जो नोटिफिकेशन रिमाइंडर इनेबल करनी है आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों हर 5 मिनट के बाद आपको रिमाइंडर मिलेगी उस स्पेसिफिक नोटिफिकेशन के लिए, और अगर आप वाइब्रेट भी चाहते हो साउंड के साथ रिमाइंडर में तो आप वाइब्रेट को यहाँ पे इनेबल भी कर सकते हो। तो जब तक आप उस नोटिफिकेशन को क्लियर नहीं करते यहाँ से तब तक रिमाइंडर आता रहेगा। दोस्तों कई सारे लोग होंगे जो एसडी कार्ड का यूज़ करते होंगे और वो चाहते होंगे कि एसडी कार्ड में ऐप्स और जो कंटेंट है वो मूव कर सके, तो इसके लिए भी आपको ऑप्शन मिलता है। आपको जाना है सेटिंग्स में, आपको यहाँ पे जाना है डिवाइस केयर में, और फिर आपको यहाँ पे स्टोरेज पे क्लिक कर स्टोरेज बूस्टर पे क्लिक करना है।
यहाँ पे आप देख सकते हो मूव कंटेंट टू एसडी कार्ड। अभी मैंने यहाँ पे एसडी कार्ड को इंसर्ट नहीं किया इसलिए यहाँ पे ग्रे में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप एसडी कार्ड यूज़ कर रहे हो तो ये ब्लैक में दिखाई देगा। मूव कंटेंट टू एसडी कार्ड, तो जो भी आपके इमेजेस है, वीडियोज है, फोटोज है, डॉक्यूमेंट है, यहाँ से आप उन्हें एसडी कार्ड में मूव कर सकते हो। और जो भी ऐप्स है आप यहाँ से मूव एप्स टू एसडी कार्ड, इन्हें यहाँ से एसडी कार्ड में मूव कर सकते हो। तो आप इस तरह से सभी डेटा है आप एसडी कार्ड में मूव कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है, सारी जो डेटा होगी ऐप्स की वो मूव नहीं होती, कोई कोई डेटा इंटरनल स्टोरेज में ही रहती है, आप उसे मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको करना है सारी डिटेल्स को मूव, तो आप वो भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाकर सबसे पहले तो आपको डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना है। दोस्तों अगर आपके फोन में डेवलपर ऑप्शन इनेबल नहीं है तो आपको जाना है अबाउट फोन में, फिर आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाके बिल्ड नंबर पे 7 बार लगातार टैप करना है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर इसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पे मिल जाएगा सेटिंग्स में डेवलपर ऑप्शन, फिर इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे जाना है फोर्स अलाउ एप्स ऑन एक्सटर्नल, आपको इस ऑप्शन को भी इनेबल करना है। दोस्तों सैमसंग में आपको पॉपअप व्यू का ऑप्शन मिलता है, आप पॉपअप व्यू में कितने भी जो ऐप्स है देख सकते हो, लेकिन कोई कोई ऐप्स इसमें सपोर्ट नहीं करते। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो प्ले स्टोर को अगर मैं यहाँ पे इनेबल करता हूँ पॉपअप व्यू, ओपन इन पॉपअप व्यू, तो ये तो ओपन हो जाता है। लेकिन बात करेंगे जो ऐप से सपोर्ट नहीं करते, जैसे इंस्टाग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टाग्राम को अगर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी स्प्लिट स्क्रीन या पॉपअप व्यू का ऑप्शन आता ही नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सभी ऐप्स के लिए ये पॉपअप व्यू स्प्लिट स्क्रीन सपोर्ट करें, तो आप ये भी कर सकते हो। आपको डेवलपर ऑप्शन में ही जाके जो ऑप्शन है फोर्स एक्टिविटीज टू बी रिसाइजेबल इनेबल फ्री फॉर्म विंडोज, इनको आपको दोनों को इनेबल करना है। इसके बाद अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम को, तो यहाँ पे पॉपअप व्यू भी आ गया है और स्प्लिट स्क्रीन भी आ गया है। तो आप किसी भी ऐप को पॉपअप व्यू और स्प्लिट स्क्रीन में यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। आपको याद रखना है जब आप इन ऑप्शन को इनेबल करते हो तो आपको अपने फोन को रिस्टार्ट करना है। दोस्तों फिर आपने डार्क मोड का यूज तो किया ही होगा, लेकिन दोस्तों डार्क मोड सभी ऐप्स में काम नहीं करता, आपको यहाँ पे पता होगा। जैसे मैंने यहाँ पे डार्क मोड को इनेबल कर दिया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अमेजोन ओपन करता हूँ तो अमेजोन अभी भी डार्क मोड में यहाँ पे इनेबल नहीं है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि डार्क मोड यहाँ पे इनेबल हो अमेजोन भी, तो उसके लिए मुझे डेवलपर ऑप्शन में जाना है और आपको यहाँ पे फोर्स डार्क मोड आपको इसे इनेबल करना है। अब अगर आप अमेजोन को ओपन करोगे तो अमेजोन जो होगा वो डार्क मोड में यहाँ पे इनेबल हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी ऐप को डार्क मोड में इनेबल कर सकते हो। तो दोस्तों इन फीचर का यूज़ करके आप अपने फ़ोन को मैक्सिमम बेस्ट वे में आप यूज़ कर सकते हो। अगर दोस्तों आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।